फी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाला गंगा एक्सप्रेस वे में, और इस वक्त सभी जिलों के अंदर भूमि स्तर से कार्रवाई चल रही है और काफ़ी जिलों के अंदर जमीनी स्तर से और काफ़ी जिलों के अंदर, जैसे मेरठ ज़िला है, बुलंदशहर ज़िला है, संभल ज़िला है, और भी कई ज़िले हैं जिनमें यूपीडा की तरफ से गजट जारी कर दिया गया है। और गजट के अंदर सारी जितनी भी किसानों की ज़मीन जा रही है मेरठ से प्रयागराज तक, और जिन जिन भाई का, किस किस किसान भाई का गजट जारी हुआ है ज़िले के अंदर, गांव के अंदर, उसमें ये दर्शा दिया गया है कि किसकी ज़मीन कितनी जा रही है। दर्शकों, मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ। जितनी भी गंगा एक्सप्रेसवे में जमीनी भूमि की अधिकरण होगा, उसको बैनामा करने के लिए यूपीडा और सरकार एक नया तरीका ला रहे हैं। जिस तरह से तहसील के अंदर जाकर इस भूमि का बैनामा रजिस्ट्री होगी, इसलिए सरकार किसानों को कोई दिक्कत ना हो और भूमि का बैनामा करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए सरकार इस भूमि अधिकरण करने के लिए अलग से रजिस्ट्री काउंटर लगा रहे हैं। इस रजिस्ट्री काउंटर के माध्यम से किसी भी प्रकार के किसी भी किसान को कोई भी समस्या नहीं होगी। इसलिए सरकार जल्द से जल्द जिनका गजट जारी कर दिया गया है, जितने भी जिलों का, उनका भूमि की बेनामे शुरू जल्द से जल्द कर दिए जाएंगे और रजिस्ट्री काउंटर लगाने की योजना लागू कर दी गई है। अलग से रजिस्ट्री काउंटर लगाया जाएगा, या तो ये रजिस्ट्री काउंटर तहसील में लगाया जाएगा, या जितने भी गांव की ज़मीन जा रही है इस गंगा एक्सप्रेसवे में, वहाँ पर गांव के प्रधान के आवास पर रजिस्ट्री काउंटर लगा दिया जाएगा। उसमें कानून गो, तहसीलदार, एसडीएम, मजिस्ट्रेट, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे और वहीं बैठे बैठे किसानों की रजिस्ट्री की जाएगी और तुरंत हैंड टू हैंड उनका ट्रांजेक्शन, उनके अकाउंट में ट्रांजेक्शन किया जाएगा या उनको चेक दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, इतने स्तर से भूमि की, जमीनी स्तर से प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी गई है और सभी जिलों में सभी स्तर पर इस वक्त भूमि की बैनामों की प्रक्रिया प्रारंभ शुरू होने जा रही है। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको खबर देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।